Wow, what a move in, Munna Badnaam. So were you always that good dancer, or was it the special preparation for this song? Well, I don't know. First of all, thank you. Shukriya. I think, no, I've never had any formal training. और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत ऐसा खास डांसर हूँ. बट मैं क्रेडिट देना चाहूँगी वैभवी मैम को, वैभवी मर्चेंट. शीज कोरियोग्राफ द सॉन्ग एंड हर टीम. So, he came to know आप इस पे कीटो डाइट पर भी थी, एंड बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, एंड कितना टाइम लगा इन सब प्रिपरेशन में? मैं 2 महीने के लिए डाइट पे थी और कीटो डाइट पे थी. और सुबह शाम मैं 2 टाइम जिम जाती थी. सुबह कार्डियो और शाम को वेट ट्रेनिंग. और मुझे काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा ऑन माय फेवरेट फूड, ऑल द तंदूरी रोटीज एंड बिरयानी. या 2 फॉर 2 मंथ्स. So 2 months, but when we came to know about Munna Badnaam, there was so much suspense कि कौन होने वाला है, कौन होने वाला है. There was Moni Roy जिनका नाम आ रहा था, there was even Sunny Leone जिनका नाम आ रहा था. फिर then we came to know, oh, Vareena is doing it. कब decide हुआ कि that you are doing it and how? मुझे भी पता नहीं था. आई गॉट टू नो थ्रू सोर्सेज फर्स्ट. जोक्स अपार्ट, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला था बिकॉज देर वॉज अ सर्टन इमेज, जैसे द मिलेनियल मुन्नी हैड टू हैव एब्स आई थिंक. एंड वो जो एक सर्टन लुक था गाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए तो आई मीन सलमान सर हैड सेड के जब तक तुम अचीव नहीं करोगे, तुम पहले अचीव कर लो एंड देन वी विल सी हाउ इट गोज़ एंड देन वी विल ऑल्सो पुट यू ऑन टू ट्रेनिंग, डांस ट्रेनिंग एंड देन वी विल सी हाउ इट गोज़. तो मुझे भी लास्ट मिनट तक आइडिया नहीं था कि क्या होगा, विल आई बी देयर और नॉट. लेकिन टू सलमान खान एज वेल एज प्रभु देवा साथ में थे, तो वो डिड दैट मेक यू नर्वस कि दो लोगों के साथ में डांस करना है विच आर ऑन नेक्स्ट लेवल ऑलरेडी? वेल, फॉर सलमान सर आई वॉज नॉट नर्वस बिकॉज सेट सेट पे आने से पहले, गाना जब शूट नहीं हुआ था तब मैं नर्वस थी. बट वंस आई एम ऑन सेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं नर्वस नहीं रहती. प्रभु सर इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग, ये मुझे सेट पे पता चला. तो उनसे ज़्यादा मैं नर्वस थी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए. तो दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी. ओके, सो वरीना, इससे पहले के जो सॉन्ग्स रहे हैं, करीना कपूर एंड देन मलाइका अरोड़ा, एवरीवन इज कंपेयरिंग यू काइंड ऑफ, लेकिन क्या लगता है दिस कंपैरिजन इज गुड और बैड फॉर यू, और आर यू अनकंफर्टेबल विद दिस कंपैरिजन? मलाइका मैम इज़ हॉट, फैबुलस डांसर, सो इज़ करीना मैम. एंड मैंने अभी अभी करियर अपना स्टार्ट किया है. आई एम अ न्यू कमर, आई एम एन आउटसाइडर. मुझे एकदम से ही इतना बड़ा सॉन्ग और उन उनके एक सेम लीग में रखना इज़ आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड बाय फार इट्स द बिगेस्ट सॉन्ग आई हैव इन माई किटी. सो मेरे लिए इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड एंड आई टेक एवरीथिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट. But when we talk about Munni Badnaam and Fevicol, which one did you like the most? मुन्ना बदनाम हुआ. Not fair. नो नो, इट्स वेरी मच फेयर, That वाई was not नॉट, a इट्स माई choice सॉन्ग, मैं only. प्रमोट करूँगी. आप प्लीज़ देखिए मुन्ना बदनाम देखिए, मेरा फेवरेट है. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्वियसली मिले होंगे, बाय फार कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रहा इंडस्ट्री वालों में से, जिन्होंने जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? बाय फार सलमान सर का. ऑफ एंड कोर्स. एंड इन द सॉन्ग लॉन्च, इफ इफ यू रिमेंबर, ही सेड
and I was working for that because he has launched me as well. तो मेरे लिए उनकी बात सबसे ज़्यादा important है. उनका compliment या उनका appreciation सबसे ज़्यादा important. Okay, launch जैसे कि आपने कहा सम्मान लिया था. How much does this helps you? You know, launching जो थी वो सम्मान की तरफ से हुई थी. तो how much do you think this helps you? Helps me. See, for an sorry. All I can say is that I am very lucky to be launched under his banner by him, and that's it. I'm blessed. मैं आगे इसको ज़्यादा exaggerate नहीं करना चाहती या कुछ वो और बोलना नहीं चाहती. And also आपने social media पे कहा भी था that my recent crush पहले की बात है. But कितने देर पहले की बात? और crush? मैंने पांडे जी कहा था. पांडे जी is my recent crush. Yes. Yes. He is my recent crush. Yes. So crush के साथ काम करना मतलब पांडे जी. हाँ, पांडे जी को मिलेनियल मुनि शूट बहुत अच्छा हुआ. यू कैन सी द केमिस्ट्री. ओके, सो हम अभी तक हम लोगों को 90s 80s यू नो बेहतरीन डांसर्स मिले हैं बॉलीवुड में. हु हैज बीन योर फेवरेट? देयर आर मेनी. मेरा पर्सनल आई मीन वेट सॉरी टू मिनट सेकंड आई विल टेक दिस अगेन. मेरे काफ़ी फेवरेट एक्ट्रेसेस रही हैं. मेरा जो इस सॉन्ग के पीछे जो इंस्पिरेशन था आई हैड टेकन फ्रॉम साधना जी फ्रॉम द मूवी मेरा साया. उनका एक सॉन्ग है झुमका गिरा रे. यस, वी वांटेड दोज लाउड एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. तो वो मेरा पर्सनल होमवर्क था. एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट माधुरी मैम. मुझे उनकी एक्सप्रेशंस बहुत पसंद है. एंड छोले के पीछे इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट अगेन. मेरे वैनिटी वैन में भी कभी कभी बजता है. सो इफ यू आर क्रॉसिंग आपको लाउड इज ब्लास्टिंग म्यूजिक सेट पे छोले के पीछे गाय. सो या ओके, हेलन मैम की अगर बात करें तो शी वाज आल्सो इन फैबुलस डांसर. ठीक, वाज इट आप कुछ गए थे उनसे कुछ राय वगैरह लेने के लिए? राय वगैरह लेने के लिए आई विश. या आई विश अगर मैं जाती तो क्या पूछती. हेलन मैम का मैंने एक कहीं पे सोशल मीडिया पे मैंने एक उनकी बहुत पुरानी इंटरव्यू है. आई थिंक आई रेड के शी सेज के आई कांट रिमेम्बर सॉरी द एग्जैक्ट वर्डिंग्स आई कांट रिमेम्बर. Yeah. No, I don't want to use something that is not correct now and then. Tell me something else. Like, was there any advice to aap lena chahti thi? Advice jo main lena chahti thi. I think she's very energetic. To puchna chahungi ki where matlab whom she used to take her inspiration from. Yeah. हाँ मैं योर अंडरस्टैंडिंग. मैं होमवर्क उनका होमवर्क. यस ओके, सो यू नो मुन्ना बदनाम तो आ ही गया, हो ही गया है. मुन्ना बदनाम हो ही गया जी. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? वरना आप हमेशा बहुत ही छुपी रुस्तम रहती हैं और जल्दी बताती नहीं कि क्या आने वाला है आपकी तरफ से, पर कुछ है?
मैं बहुत सीक्रेटिव हूँ, मुझे मिस्ट्री बहुत पसंद है, तो मैं ये मिस्ट्री कायम करके ही ऐसे ही कायम रखूँगी और मैं आपको जल्द बताऊँगी। अच्छा, कितनी अच्छी सिंगर है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दो लाइन गवानी की। आई एम नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर। नहीं, मेरे फैंस को आई थिंक पता है कि मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ और वो मेरे फैन फॉलोइंग कम हो नहीं होगी, जाएगी। नहीं होगी, दो लाइन व्हाट? मुन्ना बदनाम। अगर मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, या बाकी आप विजुअल देख सकते हैं, जाइए यूट्यूब पे देखिए, 20 मिलियन ऑलरेडी हो चुका है। आई एम वेटिंग फॉर मोर व्यूज, लाइक्स, शेयर्स, प्लीज गो एंड वॉच। ओके, वरीना लास्ट क्वेश्चन में जाते जाते ये पूछना चाहूँगी, यू नो ऑल्दो आपने सोशल मीडिया पे लिखा है, सलमान सर ने भी इस बारे में बहुत जी सॉन्ग लॉन्च पर बात की है, बट यू नो द रीसेंट थिंग हैपेंड विद प्रियंका रेड्डी, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, एंड डू यू फील समवेयर और द अदर वी आर अनसेफ, वुमेन आर अनसेफ? वेल, जब मैं ट्वीट आउट भी कर रही थी तो आई हैड अ लॉट ऑफ यू नो फीलिंग्स, आई मीन देर इज अ लॉट ऑफ रेज इनसाइड मी, आई कांट एक्सप्रेस जस्ट इन अ ट्वीट। एंड मुझे ये भी पता है कि मेरे ट्वीट से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा या जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। आई नो आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस इन दैट सिनेरियो, बट ऑल आई कैन से इज दैट जस्टिस होना चाहिए एंड जितना जल्दी हो सके, एंड आई वुड वॉन्ट दैट स्ट्रॉन्गर लॉ। थैंक यू सो थैंक यू। मच।